गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं श्रम। यह एमए फाइनल समाजशास्त्र का औद्योगिक समाजशास्त्र का पेपर है, जिसमें हम यूनिट सेकंड में पढ़ रहे हैं वर्क एंड लेबर। इससे पहले हम वर्क पढ़ चुके हैं, कार्य हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं श्रम। श्रम उत्पादन का एक सक्रिय और महत्वपूर्ण साधन है। यदि किसी देश में बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं, लेकिन उन साधनों का प्रयोग ना किया जाए तो वे साधन बेकार हैं। कैरेन क्रॉस कहते हैं कि यदि भूमि अथवा पूंजी का उचित प्रयोग नहीं होता है तो केवल उन साधनों के स्वामियों को थोड़ी आय की हानि होगी, लेकिन यदि श्रम का उचित प्रयोग नहीं होता, अर्थात हम ये देखते हैं कि व्यक्ति अगर बेरोजगार है या अत्यधिक कार्य लेकर उसका शोषण किया जा रहा है, तो इससे न केवल पुरुषों और स्त्रियों में हीनता और निर्धनता का प्रसार होगा, वरन सामाजिक जीवन के स्वरूप में भी गिरावट आती है। आज हम देखते हैं कि श्रम का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में श्रम का अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है। आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में श्रम के योगदान में विभिन्न योगदान में वृद्धि करना किसी भी सरकार का मुख्य दायित्व रहता है। उपयुक्त मात्रा में अगर निपुण श्रम शक्ति देश को विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की कुंजी है। एक देश की संपन्नता बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर है कि वहाँ श्रम का किस प्रकार सृजनात्मक कार्यों में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समाज पूर्णतः औद्योगिक समाज कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में हम देखते हैं कि उद्योगों का बहुत अधिक योगदान होता है। औद्योगिक विकास के साथ साथ मानव के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। इससे राष्ट्रीय रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं और औद्योगिक विकास की प्रमुख शक्ति श्रम ही होती है। इसके संचालन में नियुक्ति, आपूर्ति एवं खपत के साथ साथ विशिष्टता एवं गति प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। श्रम उत्पादन एक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण साधन है। अगर श्रम द्वारा किसी देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक शक्तियों का समुचित प्रयोग नहीं किया जाए तो वे साधन बेकार हो जाते हैं। प्राचीन समय में हम देखेंगे कि श्रम के संबंध में दो दृष्टिकोणों की प्रधानता थी। पहला यह था कि वस्तु दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत श्रम को वस्तु की भांति खरीदा और बेचा जा सकता था। श्रमिक को कम पारिश्रमिक देकर उसकी सहायता से अधिकतम लाभ अर्जित करना पूंजीपतियों का उद्देश्य रहा है। दूसरा अगर हम दृष्टिकोण देखें तो वह था उदारतावादी दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को एक निम्न वर्ग और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल माना जाता है और इसलिए उनकी मदद करना धनिक वर्ग का अपना कर्तव्य समझता है। आज के युग में मानवीय संबंध दृष्टिकोण की प्रधानता पाई जाती है। परंपरागत विचारधारा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में से
जो श्रम नीति अपनाई गई है वह अमानवीय संबंध दृष्टिकोण पर आधारित है। देश की जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो व्यूह रचना इस प्रकार की थी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में श्रम जनित उत्पादकता बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयासों को निरंतर बल मिले। इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि योजना में अच्छे भोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च स्तर, अनुशासन तथा नैतिक आचरण में सुधार और अधिक उत्पादनशील तकनीकी तथा प्रबंधात्मक कार्यों की परिकल्पना की गई थी। अर्थ हम देखते हैं कि श्रम बाजार और श्रम की मांग एवं पूर्ति के विवेचन से पूर्व हम देखेंगे कि श्रम का अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र में श्रम का अभिप्राय उस शारीरिक और मानसिक प्रयत्न से है जो आर्थिक उद्देश्य में किया जाए। कोई भी कार्य, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, जिसके बदले मौद्रिक मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक मिले वह श्रम कहलाता है। इस दृष्टि से मजदूर, प्रबंधक, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, नौकर आदि सभी के प्रयत्न श्रम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम परिभाषा देखें तो मार्शल लिखते हैं, श्रम से हमारा अर्थ मनुष्य के उस मानसिक और शारीरिक प्रयास से है जो अंशतः या पूर्णतया कार्य से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले आनंद के अतिरिक्त किसी लाभ की दृष्टि से किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं उपरोक्त परिभाषा में कि श्रम के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। पहला, मानवीय श्रम में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित हैं, और दूसरा, केवल वे ही प्रयत्न सम्मिलित हैं जिनके उद्देश्य आर्थिक हैं। श्रम का परिभाषित करते हुए प्रोफेसर गैलब्रेथ कहते हैं कि आजकल हमें अपनी औद्योगिक विकास का अधिक पूंजी विनियोग से नहीं बल्कि मानवीय प्रसाधन की उन्नति करने से उपलब्ध होता है। इस प्रसाधन से हमें विनियोग की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिफल मिलता है। यानी हम ये देखते हैं कि पर्याप्त और कुशल श्रम के माध्यम से साधनों का अधिकतम प्रयोग करके अर्थव्यवस्था को संपन्न और सफल बनाया जा सकता है। श्रमिकों की सहायता से देश की विभिन्न योजनाएं पूरी की जा सकती हैं। अब हम देखते हैं श्रम का महत्व। सबसे पहली बात जो आएगी वह है अधिक उत्पादन की मांग। आधुनिक युग में उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने की मांग बढ़ रही है। औद्योगिक विकास हेतु उत्पादन में वृद्धि होना आवश्यक है। साथ ही औद्योगिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्वों में श्रम की कार्यकुशलता का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि आंदोलन चलाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है तीव्र औद्योगिकरण।
वर्तमान युग औद्योगिकरण का युग है। विश्व में बहुत ही तीव्रता से औद्योगिकरण की होड़ लग गई है। कृषि प्रधान देश जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान ने भी अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं का तीव्र औद्योगिकरण करने की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग अपनाया है। तेजी से औद्योगिकरण के द्वारा देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत बनाया जा सकता है। साथ ही उत्पादन के साधनों में श्रम और पूंजी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पादन का साधन है वह है श्रम। इसके सक्रिय सहयोग के बिना उत्पादन में कोई भी क्रिया सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकीकरण। वर्तमान में गलाकाट प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है। इस प्रतिस्पर्धा में वही देश सफल हो सकता है जिसने बहुत तीव्रता से औद्योगिकरण के साथ साथ उत्पादन के साधनों का आधुनिकतम उपकरणों विधियों के साथ उपयोग किया है। आधुनिकतम उत्पादन के तरीकों से वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर निम्न लागत पर किया जा सकता है और वस्तु की किस्म भी अच्छी होती है। इसके लिए श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, नवीनीकरण, विवेकीकरण और प्रमापीकरण का सहारा लेना आवश्यक होता है, क्योंकि विवेकीकरण व आधुनिकीकरण से श्रम प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप श्रम अधिक जागरूक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। प्राचीन समय में औद्योगिक लाभ तथा उद्योग धंधों में प्रबंध का कार्य पूंजीपतियों व प्रबंधकों के हाथ में था। उस समय अंगूठे का नियम का बोलबाला था। वर्तमान समय में इस विचारधारा में परिवर्तन आया है। अब औद्योगिक प्रजातंत्र पर विचार औद्योगिक क्षेत्र में पनपने लगा है। इसके अंतर्गत श्रम को केवल मात्र उत्पादन का साधन ही नहीं समझा जाता, बल्कि औद्योगिक प्रजातंत्र के अंतर्गत प्रबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भागीदार समझा जाने लगा है। भारत सरकार ने भी अपनी श्रम नीति में एक नया अध्याय श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधकों के साथ भागीदारी देकर जोर दिया है। श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में दी है, बल्कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी यह भूमिका प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक शांति की आवश्यकता। तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से देश का तीव्र आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में औद्योगिक वातावरण कैसा है, क्योंकि औद्योगिक वातावरण के द्वारा उत्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के साधनों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर होती है। उत्पादन के साधनों में श्रम और पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन दोनों के साधनों में यदि सक्रिय सहयोग नहीं होगा तो उससे उत्पादन में बाधा पड़ेगी। मालिक और मजदूरों में अच्छे संबंध ना होने पर आए दिन हड़ताल,
तालाबंदी, घेराव, धीमी गति से कार्य करना आदि औद्योगिक उत्पादन में बाधाएं होंगी। इस आपसी मतभेद को दूर कर स्वच्छ एवं मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करने संबंधी चुनौतियों का सामना प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार के सामने होता है। नेक्स्ट है श्रम कानूनों की पाढ़। श्रमिकों के कार्य की दशाओं एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्रत्येक देश में इस संगठन द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार को श्रम कानूनों में संशोधन करने तथा नए कानून बनाने पड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ वर्षों में संशोधन हुए हैं ताकि श्रमिक व उसके आश्रितों को भविष्य की अनिश्चितता का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रमिकों की राजनीति में रुचि। किसी भी देश में श्रमिकों का बाहुल्य होना स्वाभाविक है। वे अपने मताधिकार के द्वारा देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इंग्लैंड में भी श्रमिकों की सरकार बनी है और हमारे देश में भी श्रमिक नेता विभिन्न दलों से चुनाव जीतकर संसद और विधानसभाओं में श्रमिकों का हित देखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि श्रम का अर्थ क्या है, श्रम के लिए क्या परिभाषाएं दी गई हैं और श्रम के महत्व क्या हैं। थैंक्स।